हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है विपुल एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ओप्पो के फाइंड X5 प्रो के बारे में बताने वाला हूं, जिसके स्पेसिफिकेशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन स्पेसिफिकेशन साथ ये फ़ोन आपको काफ़ी जल्द देखने को मिल सकता है। तो उसके सारे एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं एंड उसी के साथ आपको इसकी लॉन्च डेट एंड इसकी प्राइसिंग के बारे में बताऊंगा, कितने मतलब प्राइस एंड लॉन्च डेट तक आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बट उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले मैं आपको इसकी डिस्प्ले के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 6.7 इंचेस की आपको डिस्प्ले की साइज़ देखने को मिल सकती है एंड इसका जो डिस्प्ले का टाइप जो रहेगा वो आपको अमोलेड डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और इसके स्क्रीन रिफ्रेश रेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज की फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि ओप्पो के फाइंड सीरीज जो होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं एंड उस जितने भी मतलब पिछले आए काफ़ी नई मतलब काफ़ी अच्छे मतलब फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन तो बनाते हैं फाइंड सीरीज जो होती है एंड काफ़ी मतलब नई टेक्नोलॉजी के साथ आपको देखने को मिला है पिछले मतलब जितने भी फाइंड सीरीज थी वो। तो यहाँ पे भी आपको कुछ नया देखने को ज़रूर मिलेगा। तो 4G के जितने भी फोन्स थे लगभग ख़त्म ही वाले हैं, बहुत कम फोन्स अब लॉन्च होते हैं 4G। अब आपको डायरेक्ट 5G देखने को मिल रहा है, तो ये भी आपको 5G वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। मैं आपको इसके कैमरे के बारे में बताता हूँ। तो इसके कैमरे का पहले आप डिज़ाइन देख सकते हो, कुछ ऐसे डिज़ाइन में आपको ये मतलब इसका कैमरे का सेटअप देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको 3 कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा बैक साइड में, जिसकी 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल का 3 कैमरे का सेटअप आपको बैक साइड में देखने को मिल जाएगा। वहीं पर आपको 2 छोटे छोटे LED फ्लैश भी देखने को मिलेंगे एंड वहीं पर फ्रंट कैमरे के बारे में बात करें तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। भले ही गाइस आपको 13 मेगापिक्सल कम लग रहा होगा, लेकिन ये 13 मेगापिक्सल कैमरा आपका 32 मेगापिक्सल कैमरे के बराबर हो। भले ही इसका जो मेगापिक्सल कम है, बट इसकी क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी, क्योंकि गाइस मैं जितने भी स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ सब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन स्पेसिफिकेशन साथ ये फ़ोन आपको देखने को मिल सकता है, कोई भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है। एंड इसकी बैटरी के बारे में आपको बताऊँ तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है एंड उसी के साथ लीक्स आने के यहाँ पे आपको 80W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा एंड उसी के साथ आपको यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस फाइनली मैं आपको इसके प्रोसेसर के बारे में बता दूँ तो यहाँ पे आपको 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि MediaTek का प्रोसेसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस चिपसेट का पूरा नाम है MediaTek Dimensity 9000। तो ये चिपसेट जो है आपको ओप्पो फाइंड X5 प्रो में देखने को मिल सकता है। जितने भी एक्सपेक्टेड फीचर्स थे मैंने आपको सारे के बारे में बता दिया है। तो लगभग इन्हीं स्पेसिफिकेशन के साथ लीक्स आ रहे हैं कि मतलब ओप्पो का फाइंड X5 प्रो आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसके लॉन्च डेट एंड इसकी जो प्राइस है इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि कोई भी मतलब गलत मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। यहाँ पे अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन इसके लॉन्च डेट एंड इसके प्राइस को लेकर नहीं आई है। तो गाइस आई होप इसके फीचर्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर ये नई कोई मतलब किसी नई टेक्नोलॉजी के साथ अगर आता है तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।